क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट द रेट 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज रुपीज 840. तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स इज हाउ मच. सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सर्टन सम है, उस पर हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8 ईयर्स के लिए 840 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है. सो अगर यही सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे हमें 5 ईयर्स के लिए मिले तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट गिवन है 8 ईयर्स के लिए, दैट इज़ 840 रुपीज़. अगर 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो ये होगा 105 रुपीज़. सो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% पर एनम. 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20. सो अगर 20 यूनिट्स हमारा प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. सो इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है रुपीज़ 105. सो अगर 20 यूनिट्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो ये आएगी रुपीज़ 2100. नाउ क्वेश्चन में कहा गया कि यही 840 रुपीज़ का इंटरेस्ट अगर हमें मिले 5 ईयर्स के लिए. सो ये 5 ईयर्स का इंटरेस्ट हमें गिवन है रुपीज़ 840. अगर यहाँ से 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये आएगा, ये हमारे पास 168 रुपीज़. ये 1 ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है. नाउ हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 168 रुपीज़ पे. प्रिंसिपल है हमारे पास 2100. सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और ये जाएगा 8 पे. सो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 8% पर एनम. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 8% पर एनम.